सिहारा क्षेत्र के गांव मिलक बेनीराम निवासी युवक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पत्नी से छुटकारा दिलाने की मांग की। धोखा देकर किन्नर से शादी कराने का लगाया आरोप। जनपद बिजनौर की विभिन्न थानों की पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए बढ़ापुर क्षेत्र में छापेमारी करते हुए एक अभियुक्त को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। सहसपुर के मोहल्ला सराय कला स्थित मदरसे में पढ़ने वाले 9 वर्षीय बच्चे ने किया कुरान हिफ्ज। जनपद संभल की थाना हजरत नगर गढ़ी पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में बने अदबने शस्त्रों के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बढ़ते कोरोना के मामले के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी दिखा रहे लापरवाही। रोडवेज बस का कंडक्टर बिना मास्क लगाए यात्रियों के टिकट काटते नजर आया। नेहटोर के मोहल्ला जोशियान में बीती रात चोरों ने बंद पड़े मकान को बनाया निशाना। मकान के ताले तोड़कर नकदी और आभूषण किए चोरी। महाराजा हरिश्चंद की जयंती के उपलक्ष्य में सिहारा में किया गया प्रभात फेरी का आयोजन। महाराजा हरिश्चंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल ने धामपुर नगर पालिका में चल रहे वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचकर लगवाई कोविशील्ड की बूस्टर डोज। नगर पालिका परिषद धामपुर द्वारा सफाई कर्मियों को बांटी गई गर्म वर्दी। सफाई विभाग के द्वारा किया गया वितरण। चांदपुर के जलीलपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजपुर परशु में राशन डीलर ने पूर्ति निरीक्षक पर लगाया 1 लाख रुपए हड़पने और जाति सूचक शब्दों से अपमान करने का आरोप। जनपद बिजनौर के जलीलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस के जवानों ने पैदल मार्च कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। जनपद बिजनौर की थाना नूरपुर पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 3 मोटरसाइकिलों के साथ एक सातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। संभल के मिशन इंटरनेशनल एकेडमी में किया गया वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का किया गया वैक्सीनेशन। जनपद बिजनौर के नजाबाद में हो रहा धारा 144 का उल्लंघन। प्रशासन के नियमों को अनदेखा कर धड़ल्ले से चल रहा जुमेरात का बाजार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ।